अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ताबीज 786। आज जो नक्श लेकर हाजिर हुआ हूं, ये बहुत ही मोतबर किताब का एक नक्श है। इस नुस्खे का आप अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी नजरों को देखकर सामने वाला आप पर मेहरबान होगा, आप पर दीवाना हो जाएगा। अगर कोई दुश्मन भी आपका होगा और आपकी नजरों में देख लेगा तो इंशाअल्लाह तबारक ताला वो भी आपके फेवर में हो जाएगा, आपका तरफदार हो जाएगा। ये नक्श इसमें मुबारक अल्लाह तबारक ताला के बनाया जाएगा और इसकी बरकतों के बारे में आगे इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं। जब भी आपका कोई महबूब आपसे रूठ जाए, आप मनाते मनाते थक जाए, तब आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह तबारक ताला वो आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा, आपकी बात को मानेगा। मोहब्बत किस तरह की हो, जैसे मियां बीवी की मोहब्बत, भाई भाई की मोहब्बत, सास बहू की मोहब्बत, अजीज व अकारिब की मोहब्बत, इस तरह की तमाम मोहब्बत के लिए ये अम्ल बहुत ही कामयाब है। आप किसी को भी अपनी एक नजर से दीवाना कर सकते हैं। ये कोई मामूली में नक्श बताने वाला नहीं हूं, ये इसमें मुबारक का नक्श है। इस नक्श का अगर आपने इस्तेमाल किया तो इंशाल्लाह इसकी बरकतों से आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं। इतना ही फायदा इससे नहीं है, इस नक्श को जो भी इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह तबारक ताला उसके घर में बरकत ही बरकत होगी, जादू टोना सिफली अम्ल से भी हिफाजत रहेगी। मोहब्बत के लिए एक खास नक्श मैं बता रहा हूं, मोहब्बत के लिए अगर आप ये नक्श करते हैं तो इंशाल्लाह तबारक ताला आपकी नजरों में देखकर सामने वाला आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। इस नक्श को आप जुमे के दिन बनाएं, जुमे के दिन आपको यह नक्श बनाना है। जुमे के दिन आप किसी भी टाइम, दिन या रात में किसी भी टाइम आपको यह नक्श बना लेना है। इस नक्श को आपको ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है या रेड कलर के पेन से लिखना है, दो कलर के पेन में से किसी एक कलर के पेन से आपको लिखना है, लाल रंग के या ऑरेंज कलर के पेन से, जाफरानी कलर के पेन से आपको लिख लेना है। अगर आपके पास मुहैया हो जाफरान तो जाफरान से भी ये आप नक्श लिख सकते हैं। इस नक्श को आपको लिखने के लिए आपको यहां पर इस तरह से छह खाने का बॉक्स आपको बना लेना है। चार बॉक्स आपके छोटे रहेंगे और दो बॉक्स आपके बड़े रहेंगे। अब आपको यहां पर जो बॉक्स है यहां पर आपको 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है लाम, लाम लिखने के बाद आपको यहां पर अलिफ लिख देना है। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है हे, हे लिखने के बाद आपको यहां पर अलिफ लिख देना है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है अलिफ लाम रे। इसके बाद आपको नीचे यहां पर लिखना है अलिफ लाम मीम। इस तरीके से यह नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श को बनाने के बाद इस नक्श को आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आपको ये नक्श अपनी पॉकेट में ऊपर की तरफ रखना है। पॉकेट में रखने के बाद आपको 7 दिन तक जिस टाइम आप ये आपने नक्श बनाया है उसी टाइम आपको 7 दिन तक रोज आपको अल वकील, जो कि अल्लाह का एक नाम है, इसे आपको 101 मरतबा आपको पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ में। अल वकील, अल वकील
आप पहले कोई दुरूद पाक पढ़ लें, फिर 101 मरतबा अल वकील का विर्द करें, इसके बाद फिर वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने पहले पढ़ी थी। इसके बाद आपको ये नक्श के ऊपर, आपको आखिरी दिन आपको इस नक्श के ऊपर दम कर देना है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप जिसकी भी नजरों में देख लेंगे या वो आपकी नजरों में देख लेगा, वो आपका दीवाना हो जाएगा। ये अमल सिर्फ जायज मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।